काफी देर से थोड़ा आवाज बढ़ा दो भाई, आवाज आप सभी लोग काफी समय से यहां पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें भरोसा है यहां पर जितने मां भारती के बेटे बेटियां इकट्ठा हैं, वो सभी लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले इन बच्चों को बिठा दो भाई, कोई है, कोई वॉलंटियर है सामने? मैं एक बार चाहूंगा जितने मां भारती के बेटे बेटियां यहां ऊपर नीचे आजू बाजू जितने लोग खड़े हैं जो देश से मोहब्बत करते हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बात करके हाथ ऊपर कर लो। जिसके जिसके पास हाथ है और देश से प्यार करते हो, दोनों हाथ ऊपर करके और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। एक कला जिंदाबाद, एक कला जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुनाव जिता रहे। दिल्ली वालों ने 10 साल, एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार साल नहीं, पांच साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को वोट दे करके जिताया है। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करके नहीं दिखाया है। आज पूरा दिल्ली पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि फिर तुम वोट मांगने आ गए, पहले 10 साल के कामों का हिसाब दो और फिर इस बार वोट की बात करो, हिसाब नहीं तो फिर वोट। भाजपा वालों ने कुछ काम किया है नहीं तो बताएंगे क्या? इसलिए इस बार चुनाव से पहले ही भाजपा वाले डर गए, नारा तो दे रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, और दिल में धुकधुकी लगी हुई है कि इस बार दिल्ली में हार, इस बार दिल्ली में हार, इस बार दिल्ली में हार, इस बार दिल्ली में हार। चुनाव से पहले ही डर गए। इसे पश्चिमी दिल्ली से जो भाजपा के सांसद से मैं देखता था, इतने अहंकार में घूमते थे, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार में पैदा हुए, लेकिन भाजपा को इस बार पता चल गया कि अगर प्रवेश वर्मा जी को लड़ाया तो इस बार जमानत जब्त होना निश्चित है और महाबल मिश्रा की जीत पक्की है। इसलिए क्या किया भाजपा वालों ने, क्या किया भाजपा वालों ने, टिकट काट दिया। प्रवेश वर्मा का टिकट अरविंद केजरीवाल ने नहीं काटा, महाबल मिश्रा जी ने नहीं काटा, महावीर इनक्लेव वालों ने नहीं काटा, किसने काटा, किसने काटा, क्यों काटा?
डर लग रहा था, थुक 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 कर रहा था कि अगर इनको लड़ाया तो अब की बात 400 पार नहीं, दिल्ली में हार निश्चित है। अभी ये कर ही रहा था कि तब तक क्या हुआ, इस देश में इंडिया का गठबंधन बन गया। पिछले 10 साल से भाजपा कैसे जीत रही थी, आम आदमी पार्टी वाले एक तरफ और कांग्रेस वाले एक तरफ, दोनों का वोट बट जाता था और भाजपा जीत जाती थी। जिस दिन इंडिया इकट्ठा हुआ उस दिन भाजपाइयों के अंदर और धुक 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 घबराहट पैदा हो, ऊपर से सोने पर सुहागा। इंडिया गठबंधन ने महाबल मिश्रा को अपना कैंडिडेट बना दिया। कई लोग हमसे पूछते हैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो आपस में विरोध करती थी, इकट्ठे क्यों हो गए। साथियों, इस बार का चुनाव एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं हो रहा, इस बार का चुनाव एक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव इस देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्योंकि संविधान बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा। पिछले 2 साल से टेनर दिखा रहे हैं भाजपा वाले। आप सबको पता है कि हमारे देश में इस दिल्ली में नई पार्लियामेंट बनी है, देखा है टीवी पे आप लोगों ने? नहीं देखा? मोदी जी ने एक नई पार्लियामेंट बनाई और उसमें नया इतिहास रचा। एक दिन में 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, सारे विपक्ष के सांसद बाहर और सारे भाजपा वाले अंदर संसद में बैठ करके अपना अपना कानून पास करते रहे, संसद अपने मुट्ठी में। आप टीवी पर देखते होंगे, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, गोवा हो या मध्य प्रदेश हो, देश भर में जहां जहां विपक्ष की सरकार है रोजाना मंडी लगी हुई है, इस विधायक विधायक को खरीदो, इस मंत्री को तोड़ो, वहां ईडी भेजो, वहां सीबीआई भेजो, देश भर में जो जो विपक्ष की सरकार है हर सरकार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। संसद में भी केवल भाजपा की चलेगी, देश में भाजपा की केवल सरकार रहेगी। एक था चुनाव आयोग, जहां लोगों को भरोसा था कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो हमारा भी कैंडिडेट जीतेगा। चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए एक मेंबर कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, इस बार उसको भी बाहर कर दिया, अपना और अपने मंत्री को रख करके उसको भी मुट्ठी में कर दिया। संसद अपने मुट्ठी में, देश की पार्लियामेंट अपने मुट्ठी में, देश भर की राज्य सरकार अपने मुट्ठी में, चुनाव आयोग मुट्ठी में। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला किया 5 जजों ने मिलकर के कि जैसे देश भर के मतदाताओं का अधिकार है उतना ही बराबर का हक दिल्ली वालों को होगा। जैसे देश भर के लोग अपनी सरकार चुनते हैं और सरकार निर्णय लेती है, उसी तरह से दिल्ली के अंदर भी चुनी हुई सरकार अपना फैसला करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने थका बता दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इतने पे नहीं रुके, आप टेलीविजन चैनल देखते हो, जितना भाजपा का प्रवक्ता भाजपा का गुणगान नहीं करता है उससे ज्यादा कई चैनलों के एंकर करते हैं। यह समझना ही मुश्किल हो जाता है कि भाजपा का प्रवक्ता ये है या भाजपा का प्रवक्ता ये है। पूरे मीडिया में दहशत फैला दिया है। अगर आज टेलीविजन चैनल पर एक पत्रकार बोलते समय हर समय डरता है, अगर हमने एक भी हमारे जुबान से शब्द निकल गया इस सरकार के खिलाफ तो कल नौकरी से छुट्टी। पूरे देश के अंदर आज दहशत फैला करके इन्होंने रखा है और इस तानाशाही का इन्होंने
सारी हदें पार करते हुए दिल्ली के करोड़ों दिलों की धड़कन, दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के, बिना एफआईआर के, केवल तानाशाही के दम पर आज उठा करके तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? भाजपा वाले कहते हैं कि इन्होंने घोटाला किया इसलिए बंद कर दिया। मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर पिछले 2 साल से तुम्हारी एजेंसियां छापे मार रही हैं, 1000 से ज्यादा जगहों पर देश भर में छापे मार चुके। मनीष सिसोदिया के यहां छापा पड़ा, सत्येंद्र जैन के यहां छापा पड़ा, अरविंद के यहां छापा पड़ा, पूरे देश में छापा पड़ा। मैं भाजपाइयों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, 2 साल में चवन्नी तुम्हें नहीं बरामद हो पाई, ये अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की बात है। एक चवन्नी एक रुपया तुम नहीं ढूंढ पाए। जितने देश भर में बेईमान है वो रेल में घूम रहे हैं छुट्टा होकर, और दिल्ली का काम करने वाला मुख्यमंत्री जेल में बंद कर दिया सत्ता के अहंकार में। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लाखों लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल लाखों लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली कौन देता है? क्या नाम है उस व्यक्ति का? 24 घंटे दिल्ली में बिजली देने वाले का नाम क्या है? दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? दिल्ली वालों को फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? दिल्ली में स्कूल ठीक करने वाले का नाम क्या है? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले का नाम क्या है? दिल्ली में महिलाओं को फ्री यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और इस बार बजट में हर बहन माँ को 1000 सम्मान राशि देने की व्यवस्था करने वाले का नाम क्या है? अरे केजरीवाल तो आपसे कुछ नहीं मांगता, यही कहता है मोदी जी आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की, पहले एलजी को पीछे लगा दिया, काम रोको काम रोको काम रोको काम रोको। अरविंद केजरीवाल ने कहा तुम जितना ही काम रोकोगे मैं उतना ही ज्यादा दिल्ली वालों के लिए काम करूंगा, और करके दिखाया। एलजी के अड़ंगेबाजी से काम नहीं रुका। फिर इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया कि काम रुक जाएगा, केजरीवाल ने कहा काम नहीं रुकेगा। फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सोचा काम रुक जाएगा, केजरीवाल ने कहा काम नहीं रुकेगा, इन्होंने कहा कि अगर काम नहीं रुकेगा तो अब केजरीवाल को तिहाड़ बंद करो, हमें किसी भी कीमत पर काम रोकना है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल भी काम नहीं रुका था और आज भी काम नहीं रुकेगा। अरे भाजपा वालों के पास सत्ता के अहंकार की ताकत है, केजरीवाल के पास आपके दुआओं की ताकत है। इस चुनाव में सत्ता के अहंकार और जनता के दुआओं के बीच में लड़ाई चल रही है। वो सोचते हैं केजरीवाल को तो हमने बंद कर दिया, प्रचार कौन करेगा आम आदमी पार्टी का? कहते हैं आम आदमी पार्टी तो टूट जाएगी, फूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। अरे मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, दिल्ली वालों के दिलों में रहने वाला विचार है। अरविंद केजरीवाल को आपने बंद किया है, लेकिन जिन लोगों ने छाड़ों के बटन दबा करके वोट दे करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया अरविंद केजरीवाल को, वो सारे जेल से बाहर है।
बाहर है या नहीं है? बाहर है या नहीं है? केजरीवाल को मुख्यमंत्री किसने बनाया? किसने बनाया? वोट से बनाया। एलजी साहब की तरह से गुजरात से आयात होकर नहीं आए केजरीवाल। केजरीवाल को झाड़ू की बटन दबा 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 मशीन घिस जाती है। इतना वोट आज तक देश में किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं पड़ा होगा जितना वोट दिल्ली वाले दे करके केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए। और आपने उसके मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में बंद कर दिया, उनकी पत्नी को मिलने नहीं देते हो। अभी आज खबर आई, शुगर के मरीज हैं अरविंद केजरीवाल, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाने दे रहे हो। अरे ये अरविंद केजरीवाल का अपमान आप नहीं कर रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपमानित कर रहे हो, दिल्ली के 2 करोड़ जनता को अपमानित कर रहे हो। अरे तुम्हारी बात हम मानते हैं, सत्ता की ताकत है, तुम्हारे पास ईडी है, तुम्हारे पास सीबीआई है, तुम्हारे पास आईटी है, लेकिन हमारे पास भी वोट की ताकत है। 25 मई को तुम्हारे इस तानाशाही का, तुम्हारे इस जुल्म का, तुम्हारे इस अत्याचार का वोट की ताकत से मुकाबला करेंगे। बदल दे रेगिस्तान से, चारों के निशान पे, चारों के निशान पे। तुम्हें भ्रम हो गया, अहंकार हो गया कि तुम्हें 2 बार 10 साल लोगों ने जिता दिया, तो तुम्हें अहंकार हो गया कुछ भी करोगे। इसलिए साथियों आपसे कहने आया हूं, अगर आप मानते हो कि अरविंद केजरीवाल ने आपके परिवार के लिए कुछ किया है, अरविंद केजरीवाल वो शख्स है, हमारे घर के बच्चों की अच्छी पढ़ाई कैसे हो इसकी भी चिंता अरविंद केजरीवाल करता है, मां बीमार हो जाए तो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई अच्छी कैसे हो इसकी भी चिंता अरविंद केजरीवाल, हमारी मां बहनों का सम्मान सुरक्षित रहे इसकी भी चिंता अरविंद केजरीवाल करता है, हमारे घर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने को मिले इसकी भी चिंता अरविंद केजरीवाल करता है। अरे वो शख्स जो हमारे परिवार का बेटा भाई पिता बन करके हमारे लिए काम किया, आज वो तिहाड़ में है, उसने आपके लिए काम किया, क्या अब इस चुनाव में आप उसके लिए नहीं लड़ोगे? नहीं लड़ोगे क्या? इस अपमान को सहते रहोगे? कितने लोग तैयार हो इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए काम करने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए? अगर तैयार हो तो मेरे साथ, हमारे पास एक ही ताकत है, वोट की ताकत। आप सबको बोलना है इस जेल का जवाब कैसे देना है, किसे देना है, कैसे देना है, कैसे देना है? अरे जेल का जवाब, दोनों हाथ उठने चाहिए अगर देने को तैयार हो तो। देखो ये सड़क पे हमें गिरफ्तार कर लेते हैं, 144 लगा देते हैं, पार्षदों को घर में बंद कर देते हैं, विधायक को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन संविधान हमें 25 तारीख को वोट देने से रोक नहीं सकता। इसलिए जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब। अगर तैयार हो, कितने लोग दिल से तैयार हो जरा हाथ ऊपर करो, नीचे करो, कितने लोग बिना दिल वाले हाथ ऊपर किए थे जरा वो अब हाथ ऊपर कर दो, सब दिल वाले। तो मैं अभी आपको अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से शपथ दिलाऊंगा, मैं आगे आगे पढ़ूंगा, आपको पीछे से दोहराना है, लेकिन उससे पहले जेब में से मोबाइल निकाल लो, सभी लोग खड़े हो जाओ और मोबाइल का टॉर्च चला लो, सब लोग मोबाइल निकाल लो, जिसके जिसके पास मोबाइल है मोबाइल निकाल के टॉर्च जला दो और खड़े हो जाओ। सब लोग मंच वाले भी टॉर्च जला लो भाई, मोबाइल है तो सभी लोग खड़े हो जाइए, जो लोग बैठे हैं चेयर पे सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग मोबाइल जला लीजिए अपना, जिसके जिसके पास मोबाइल है हाथ ऊपर कर लीजिए, हाँ हाथ ऊपर कर लीजिए, मोबाइल जला लीजिए। मेरे साथ साथ आप शपथ को दोहराएंगे, शुरू करें। आज
जोर से आवाज आनी चाहिए पीछे तक। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और अब महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में बंद करके जनता का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब ओर से देंगे, जेल का जवाब। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम कितने लोगों को भरोसा है लड़ाई जीतेंगे, तेरा दोनों हाथ ऊपर करो और मेरे साथ बोलना है लड़ेंगे। जिन लोगों का हाथ खाली है ताली बजाते हुए लड़ेंगे। भारत माता की। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।